अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र जो बिहार का औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र है, इसके दोनों जिले औरंगाबाद और गया, ये नक्सल प्रभावित इलाका है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं आपसे संरक्षण चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। मैं युवा बेरोजगारों और किसानों की समस्या को आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात पूरी होने तक आपका आशीर्वाद चाहूँगा। महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा इलाका नक्सल प्रभावित पिछड़ा और कृषि का क्षेत्र है, किसानों की बहुत आयत है वहाँ। यहाँ के युवा रोजगार के अभाव में, नौकरी के अभाव में, काम के अभाव में दिग्भ्रमित हो जाते हैं और मुख्य धारा से भटक कर वो बंदूक थाम लेते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कृषि उत्पाद पर आधारित जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, इस तरह के उद्योग भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इस इलाके में स्थापित करे, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, उनको काम मिले और किसानों का उत्पाद भी अच्छे मूल्य पर उन कारखानों में, उन उद्योग के माध्यम से बिक सके। तो इससे उस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक तरक्की होगी। और यह जो समस्या है बेरोजगारी की और किसानों को उनके फसल का मूल्य नहीं मिलने की, दोनों समस्याओं का समाधान होगा। नक्सल की जो समस्या है वो भी नियंत्रित होगी। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, एक भारत सरकार इस इलाके के विकास के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता नाम की एक ACA नाम की एक योजना चलाती है, उसमें मेरा आपसे निवेदन ये होगा कि सरकार उसमें जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, भारत सरकार फंड देती है, तो सांसदों की अनुशंसा के आधार पर भी योजनाएं ली जाएं। हम हमेशा चाहेंगे कि ऐसी योजनाएं हो जो जनहित की हो, अधिक से अधिक जनता को उसका फायदा मिले, हमारे इलाके का विकास हो, ताकि उग्रवाद की समस्या भी नियंत्रित हो। तो इस तरह से अभी रेलवे के माध्यम से हम यहाँ रेल मंत्री जी अभी बैठे हैं, भारत सरकार ने बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन को 25 करोड़ रुपए दिए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परियोजना बंद नहीं होगी बल्कि आगे बढ़ेगी। मैं इनसे एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि जब आपने सहृदयता दिखाई है, दरियादिली दिखाई है, तो इस राशि को 25 करोड़ से बढ़ाकर कम से कम 125 करोड़ कर दीजिए, ताकि कम से कम समय में इस रेल लाइन का निर्माण हो जाए, बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिले, काम मिले और किसानों का भी भला हो। तो इस तरह से मैंने, आपने मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।